हाँ जी। सो आज अपना जिहड़ा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना मैथ्स दा, दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन अपने आप च एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। किवें, पहला समझन की कोशिश करो कि ये कि पेपर से यदि बहुत ज़्यादा अहमियत आ। देखो, जे तुसी PPSC दे पेपरों को थोड़ा जा ऑब्जर्व करो ना, स्पेशली PCS, तो PCS दे पेपर च पहला आप की करांगे, पहला आपां ना एक बेसिक सारे टाइप दे डाटा इंटरप्रिटेशन करांगे। इस तों बाद आपां की करांगे, जिन्ने पंजाब दे स्पेशली पंजाब दे पेपरां च ना 2020 तों बाद PCS ते PPSC दे तीन चार पेपर आए आ जिन्हां च डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी हाई लैवल दी आई है। तां सानूं उह सारी डाटा इंटरप्रिटेशन आउणी चाहीदी है कि किस लैवल तक ये चैप्टर जा सकदा। चैप्टर बहुत बेसिक है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन इहदे च कुछ खास है नहीं, पर फिर भी है की है कैलकुलेशंस, एक ग्राफ नू रीड किवें करना है ते उहदे तो रीड करके कैलकुलेशंस किवें करनी है। पुछना की उन्होंने, पुछनी उन्होंने कोई औखियां चीज़ां नहीं, परसेंटेज पुछ लैणगे कि इन्हां चार नंबरां दी परसेंटेज दसो, एवरेज पुछ लैणगे कि सत्त नंबरां दी एवरेज दसो, पर किहदी एवरेज कढ़नी है ये बहुत मैटर करेगा इहदे च। ठीक है, सो डाटा समझ के परख के उहदे तों एवरेज कढ़नी, उहदे तों परसेंटेज कढ़नी, यही इस चैप्टर दा सब तो वड्डा चैलेंज आ। लो जी, आपां सब तो पहला स्टार्ट करते हैं। जिवें सपोज करो, सब तो पहला तो सानू ना इस तरीके नाल ग्राफ दिते जा, टेबल दिता जाऊगा। ठीक है, एक टेबल दे विच डाटा होगा, उस डाटे नू डीकोड करके उहदे चों तुसीं अपनियां कैलकुलेशनस करनियां होणगियां। ये पहली टाइप होगी जिहनूं आपां टैबुलर फॉर्म कहिंदे आ। दूसरी टाइप होगी, सानू इस तरीके का ग्राफ दिता जाऊगा, एवें बार जे बने होणगे, इन्हां बार तों इन्हां बार दे सामने इत्थे कैलकुलेशन ओह होणगियां इनफॉर्मेशन होगी, उस बार दी हाइट तो जां इत्थों आइडिया लाउणा पऊगा आपां नूं कि इस कैलकुलेशन नूं किवें करना है, इहनूं आपां कहिंदे आ बार ग्राफ। तीसरे पासे आपां नूं इस तरीके नाल आपणे सवाल होणगे, इस टाइप दे सवालां नूं आपां कंसीडर करांगे लाइन ग्राफ। ठीक है, चौथे नंबर ते आपणे कोल इस तरीके दे सवाल आउणगे कि इहदा आह पोर्शन आ, इहदा आह पोर्शन आ, इहदा आह वाला पोर्शन, इहदे कोल इन्ना हिस्सा, इहदे कोल इन्ना, इहदे कोल, इत्थों कैलकुलेशनस करनियां, ये पाई चार्ट होणगे। ठीक है, मुख्य तौर पर तो यही अपने कोल डाटा इंटरप्रिटेशन दे टाइप होणगे, पर उस तो बाद की करनगे, वो इन्हां नूं आपस च मिला देणगे। मीनस एक इनफॉर्मेशन दित्ती होगी, उहदे च एक टेबल बनिया होगा, एक पाई चार्ट बनिया होगा। पाई चार्ट सपोज करो ये भी हो सकता है कि एक शहर के किन्ने हिंदू आ, किन्ने सिख आ, किसने मुसलमान आ, किन्ने ईसाई आ। साइड तो एक टेबल हो सकता कि उन्हां हिंदुओं किन्ने मर्द ते किन्नियां औरतां हैं, तो किन्ने सिखा च किन्ने मर्द किन्नियां औरतां हैं। फिर अगे टेबल च एक इनफॉर्मेशन होर भी हो सकती है कि उन्हां औरतों चो किन्नियां पढ़िया है। इस तरीके नाल फिर आपां नूं ये भी कढ़न वास्ते कह सकते कि हिंदुओं दियां औरतां पढ़िया लिखिया दसो, तो आपां नूं की पता एक पाई चार्ट ते नाल दो टेबल, की पता एक पाई चार्ट ते नाल एक टेबल। सो इस चीज़ लई आपां नूं मैंटली प्रिपेयर होना पऊगा कि ये अपना आने वाला अज का टॉपिक आ। ठीक है, मोटे तौर पर तो आप देखांगे कि असी पहला सारिया टाइप्स सैपरेट कवर करांगे, फिर वो टाइप जिहड़ियां ने हौली हौली मिक्स होंदियां जाणगियां, फिर उस तो बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस, वैसे वधिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जां गेट दे पेपर च आए हुए आ, कैट दे पेपर च आए आ, जां PCS च आए आ, 10 कु सवाल फिर आप रेंडमली वो चकांगे। पर उस तो पहला आप अपनियां टाइप्स डाटा इंटरप्रिटेशन, जिन्हों आप स्प्रैडशीट भी कह दें, ये अपने आप सिविल सर्विसिज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। तो काफ़ी वधिया टाइम दे के इस चैप्टर नूं 5 दिन लगन, 7 दिन लगन, जिन्नियां मर्जी क्लासां लगन, तां कि आपां किसी भी तरीके दे पेपर च मार ना खा जाइए। ठीक है, लो जी, हुण आपां नूं समझ आ गई कि असी जो टॉपिक करन जा रहे हैं उहदे च अगे की होण वाला है। सो ज़्यादा समा खराब करे बिना आपां स्टार्ट करते हैं जी अपना सब तो पहला सवाल। ठीक है, देखो सानू की दिता, कहिंदा एक कंपनी दे खर्चे दिते हुए आ 1 लाख रुपए च प्रति साल, कि एक कंपनी दे किसी किसी साल च केड़े केड़े खर्चे ने। एक कंपनी सी कोई, उहदे 1998, 99, 2000, 2001 ते 2002, ठीक है, उन्होंने अपने मुलाजमान की सैलरी ते केड़े केड़े खर्चे किए आ, समझो सब तो पहला उन्होंने अपने मुलाजमान ते अपनी कंपनी ने केड़े केड़े खर्चे किए आ। 1998 च सैलरी ते आ खर्चे होए आ 288, 342, उपर लिखिया होया कि ये 288 नहींगा, इस 288 दे मगर लख भी आ। ठीक है, सो ये आ। फिर उस तो बाद फ्यूल ते ट्रांसपोर्ट ते इहदे ते तेल वगैरह ते किन्ना खर्चा होया। फिर कंपनियां ने जिहड़ा बोनस वगैरह दिता है उहदे ते हर साल किन्ना किन्ना खर्चा होया, 98 च इन्ना सैलरियां ते गया,
इन्ना तेल पानी ते गया, इन्ना थोड़ा बोनस ते गया, तुसी कितों व्याज पैसे लए हुए सी लोन दिया सी, तुसी उस लोन का व्याज भी भरिया होगा, इन्ना तुसी व्याज भरिया उस साल, तो प्लस इन्ना तुसी टैक्स पे किया, ठीक है, जिहड़ा भी कंपनी का टैक्स है। ये एक कंपनी का कुल मिला के, जे कोई मैनू पुछे कि एक कंपनी ने 1998 कुल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा किया, तो तुसी कहोगे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, गल समझ आ गई। 1999 किन्ना खर्चा किया वह आपां पता लग गया, पर मैनू ये तो नहीं पता कि सवाल की पुछया उन्होंने। हुण आपां थल्ले पंज सवाल समझते हैं, उन्होंने पंज सवालों के अकॉर्डिंग आपां अपने आंसर देने की कोशिश करांगे, ठीक है जी। लो जी, सब तो पहला आ जाओ, सब तो पहला क्वेश्चन की है, क्वेश्चन को सिर्फ समझ के फिर आपां उपर जाना होगा। कहिंदे वट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ इंट्रस्ट, प्रति साल किन्ना औसतन ब्याज ते खर्चा होया है, औसतन ब्याज ते। इट मीनस सब तो पहला उन्होंने कहा कि सारे सालों का एवरेज किन्ना खर्चा होया है, कहते भला इंट्रस्ट ते। हुण समझण की कोशिश करो, आ जाओ भी इंट्रस्ट ते खर्चा किन्ना होया है, 23.4, 32.5, 41.6, 36.4 ते 49.4। ये खर्चा उस बंदे का कहते ते होया भला ब्याज ते, ब्याज ते आ खर्चा होया है, दिस पॉइंट दिस 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 एंड दिस, ये खर्चा होया है ब्याज ते। जे तुसी इन्हां सारे खर्चों कि खर्चे आ 23.4 32.5 प्लस तीसरा खर्चा केड़ा सीगा 41.6 36.4 49.4 डिवाइड बाय एवरेज कढ़ने का मतलब यह है कि 1, 2, 3, 4, 5 नाल की कर दो, आपां इन्हां नूं डिवाइड कर देंगे इस तरीके नाल। सामने अपने कोल उपर डाटा होगा, ठीक है, तुसी बस एक काम नोट करना होगा कि तुसी बस जिहड़ा हुण मैं अगला सवाल आई जाणगे ना, आपां सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, कैलकुलेशन के चक्करां च आपां पैणा नहीं, वो तुसी अपने आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। आपां कैलकुलेशन तो बिना बस मैं कन्फर्म कर दिया करूँगा इत्थे, ठीक है, कि मैं ये श्योर कर लिया करूँगा कि हाँ कि कैलकुलेशन च कितें कोई गलती तो नहीं। हाँ जी, ठीक है। सो सब तो पहला सवाल अपना हो गया, आ जाओ भी हुण दूजा सवाल लिखो भी, आ चीज़ क्वेश्चन लिख लो एक बार अपने आप जल्दी भावें, क्योंकि फिर मैं उपर लैके जाना तुहानूं, उत्थे तुसीं अपनी इनफॉर्मेशन तार लिया करोगे। द टोटल अमाउंट ऑफ, भावें पंजाबी लिख लो कि द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी, द टोटल दित्ती गई म्याद के दौरान कंपनी द्वारा अदा किए गए बोनस की कुल रकम, इस म्याद के दौरान अदा की गई तनखा की कुल रकम का किन्ने प्रतिशत है। बस तुसी अपने हिसाब नाल जो ये तुहानू वर्ड चंगा लगता कि इन्ना क लिख लीए, फिर आप उपर चलते हैं। हाँ जी, हो गया कि द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड इज वट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, बोनस सैलरी का किन्ने परसेंट है, सवाल समझ आ गया, आ जाओ भी बोनस सैलरी का किन्ने परसेंट है, आ चुको जी करो सॉल्व इनू हूँ, बोनस सैलरी का किन्ने परसेंट है। तुसी ये दसो कि उस कंपनी ने किन्ना बोनस पे किया है, उस कंपनी ने 98 किन्ने रुपये बोनस पे किया, 3 रुपये या 3 लाख जो मर्जी कह लो, वो तो आप बाद देखांगे, 3 रुपये एक साल पे किया, 52 इतने पे किया, 384 इतने पे किया, 368 इतने पे किया, 396 इतने पे किया। इस कंपनी ने जिहड़ा बोनस पे किया है वह बोनस है किन्ना है, गौर करियो, इस कंपनी ने बोनस पे किया है 3, 3 + 52, 384 प्लस 368 360.38 प्लस 3.96। जिहड़ी चीज़ की परसेंटेज कढ़न वास्ते कही होवे वह चीज़ आपां हमेशा उपर रखते हैं। कहिंदा एक केदा किन्ने परसेंट आ सैलरी दा, इहदा मतलब सैलरी दे मुकाबले च इहदी परसेंटेज पुछी हुई है। उदाहरण के तौर पर तुहाडी क्लास च 40 मुंडे होण ते 60 कुड़ियां होण, तुहानूं किसी ने पुछ लिया कि मुंडियां दी परसेंटेज कुड़ियां दे मुकाबले किन्नी आ,
तो तुम कहो कि जिन्हों की परसेंटेज कटनी आ उपर जिन्हों के मुकाबले कटनी आ थले ग मल्टीप्लाइड बाय 100 तो यह कुछ एवें जो आंसर आजूगा तकरीबन जो भी आऊगा 66% या मैनू नहीं पता कि आऊगी। ठीक है, मुंडिया की परसेंटेज या कुड़ियों के मुकाबले इन्नी आ। ठीक है, जे मुंडिया की परसेंटेज पूछ ली टोटल के मुकाबले कि टोटल किन्नी आ, तो टोटल दे विचों आपां आ कढ़ांगे थले टोटल नाल, जिहदे मुकाबले च परसेंटेज कढ़नी हुंदी आ थले उही लिखीदा। ठीक है, उन्होंने कहा किन्ना बोनस मिलिया, किहदे मुकाबले च परसेंटेज कढ़नी सी, सैलरी दे मुकाबले च, थले की आऊगी टोटल सैलरी 288 342 324 336 + 420। तुसी कहो कि उपर ये लखा चा, फिर आप लखा च क्यों नहीं लिखिया? बई जे उपरली चीज़ भी लखा चा, थलड़ी चीज़ भी लखा चा, ये सारी चीज़ जो लखा चा तो सारे ना लख कॉमन होगा, थले भी लख कॉमन आ, वह तो कट्टे ही जाने हैं। परसेंटेज कढ़न वास्ते हमेशा कि मल्टीप्लाई करी दा एंड च 100 नाल। आ गल समझ आ गई, जेदी परसेंटेज कढ़नी आ वह उपर, जेदे मुकाबले च परसेंटेज कढ़नी आ वह थले। तुहानू किवें पता सी कि टोटल सैलरी के मुकाबले च परसेंटेज कढ़नी आ? इस गल ते गौर करो, कहिंदा किन्ना बोनस पे किया, जिहड़ा बोनस पे किया वह कुल सैलरी का किन्ने परसेंट है, जिहड़ा बोनस पे किया है वह कुल सैलरी का किन्ने परसेंट है, बोनस सैलरी का किन्ने परसेंट आ, इहदा मतलब बोनस बटे सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100, बोनस बटे सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये चीज़ आप इतने कैलकुलेट करनी सी। आ जाओ अगले सवाल पर, बिल्कुल आप अज अपने सवालों को इस तरीके चलावे अगे। नैक्सट अगे आ जाओ, सवाल लिखो 1900 टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम इन 1998 वास अप्रोक्सीमेटली वट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। क्वेश्चन लिखो कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम इन 1998 वॉज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। इहदी की पंजाबी बनी है कि 1998 च किए गए खर्चे 2000 विच किए गए खर्चों का किन्ने परसेंट हैं? आही है ना कि 98 के खर्चे उन्हां दी परसेंटेज कढ़नी आ वह कित्थे आउणगे अपने उपर, किहदे खर्चों के मुकाबले 2002 के किए गए खर्चे वह आउणगे थले तो मल्टीप्लाइड बाय 100। आ जाओ भी किवें, आ जाओ भी आ जाओ। ठीक है, 98 के विच किहड़े खर्चे होए आ तुसीं दसोगे 98 के सारे खर्चे किहड़े होणगे भला? 288 + 98 + 3 + 23.4 + 83 ये किहड़े खर्चे भला 1998 दे? इन्हां दी परसेंटेज कढ़नी आ ये उपर अंश च यानी कि न्यूमीरेटर च बटे किहदे खर्चों के मुकाबले च आपां परसेंटेज कढ़नी आ 2002 दे। डिनोमीनेटर च आउणगे थले 420 + 142 + 3.96 + 94.49 + 98 मतलब कि जे मैं करां तुसीं लिया तां तुसीं मैनूं दसोगे इस सवाल च उपर की आऊगा छेती नंबर बोली जाओ 288 + 90 + 98 + 23.4 + 83 + हाँ जी डिवाइड बाय थले 140 146 + 49.4 90 98 और 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100। आ दसो जी आऊगा आंसर इतों ही निकल के आऊगा अपने को। सो तीसरे का आप जो कैलकुलेशन करनी भी हो तीसरे अपने को उपर आऊगा 495.4 थले अपने कल आऊगा 713.36 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं मनिया कि कैलकुलेशन औखिया ने पर फिर भी औखिया हो सौखिया हो मैं ये मन के चलदा कि पेपर च जिहड़ा सवाल आउंदा उहदे च कैलकुलेशन नहीं औखिया हुंदियां पर कन्फ्यूज़ एवं करया हुंदा उन्होंने भी। सो आपां डाटा इंटरप्रिटेशन च कैलकुलेशन दे टेंशन च नहीं पैना। ठीक है, जे कैलकुलेशन औखिया भी आ तां इत्थे तुहाडे कोल कैलकुलेटर भी आ, पेपर च कैलकुलेशन भी आसान आऊगी तो कैलकुलेटर भी नहीं होगा। सो इस चीज़ का तो खास ध्यान रखियो तुसीं। ठीक है, पर कंसैप्ट सारा समझ आना चाहिए। आ जाओ जी अगला, कहिंदा द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर दीज आइटम ड्यूरिंग 2000 इज़। ठीक है,
2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ 2000 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅਨੁਪਾਤ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਢੋ? ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 83 ਪਲੱਸ 108 ਪਲੱਸ 74। 83 ਪਲੱਸ 108 ਪਲੱਸ 74 ਪਲੱਸ 88 ਪਲੱਸ 98, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਲੱਸ 88 ਪਲੱਸ 98। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ? ਫਿਊਲ ਨਾਲ। ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? 98 112 101। 98 112 101। 98 112 101। 98 112 101। 133 ਅਤੇ 142, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? 133 ਅਤੇ 142, ਇਹ ਆ ਰੇਸ਼ੋ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਾਰਟ ਕੱਢੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਅਤੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ, PCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 25-30 ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 15-15 ਸਵਾਲ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ PCS ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਆ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਿਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ? MNPQR, ਠੀਕ ਆ। ਐੱਮ 'ਚੋਂ 1997 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 1998 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ, 1999 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਡਾਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ 1997 'ਚ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1998 'ਚ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 1998 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ? 1997 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦੀ? ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ 1997 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 1998 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 100। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ? 720, 840। ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ 1997 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। 720, 840 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। 720, 840, 780, 780, 950 ਪਲੱਸ 870। 1998 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ? 980, 1050, 980, 1050 ਪਲੱਸ 1020 ਪਲੱਸ 1200, 1020 ਪਲੱਸ 1200 ਪਲੱਸ 1240 ਪਲੱਸ 940 ਪਲੱਸ 1240 ਪਲੱਸ 940।
मल्टीप्लाइड बाय 100 चेक कर लिए कि सही भी लिखे मैं कि नहीं आज भी देखो ध्यान 1997 जेडे क्वालीफाई हुए आ वो लिस्ट आ रही आही आ चेक करो जिन्हों की परसेंटेज कढ़नी सी उपर आही लिखे है 1998 के मुकाबले वाले 1998 980 1050 1020 इन्हों के मुकाबले परसेंटेज तो मल्टीप्लाइड बाय की आ गया अपने को 100 उन्होंने मुकाबले किन्ने क्लीयर होए आ समझ आ गई गल सारियां सिंपल आ गल आ जाओ भी अगे सो य चीज़ आपां क्लीयर हो ही गई तक आलमोस्ट हाँ जी अगला सवाल आ गया अपने को कहते वट इज़ द एवरेज कैंडीडेट्स हू अपीयर फ्रॉम स्टेट क्याऊ ड्यूरिंग द गिवन ईयरस औसतन क्याऊ जिहड़ी स्टेट सीगी जिहड़ा राज क्याऊ सीगा जां क्याऊ सूबा जिहड़ा उत्तों औसतन उहदे विच्चों औसतन किन्ने बच्चे अपीयर होए आ औसतन मतलब एवरेज पहलां तां तुसीं ये दसो कि क्याऊ चों किन्ने बच्चे अपीयर होए आ एवरेज ना कढ़ो पहलां टोटल कढ़ लो क्याऊ क्याऊ स्टेट चों अज तक किन्ने बच्चे अपीयर होए आ रही क्याऊ स्टेट क्याऊ स्टेट चों किन्ने बच्चे अपीयर होए आ पहले साल 8100 अगले साल 9500 लिखी जाओ अपनी कापी ते 8100 अगले साल की भला 9500 प्लस अगले साल की भला 8700 अगले साल की भला अपीयर होए कि क्वालीफाई होए अपीयर होए ठीक है प्लस अगले साल 9950 ये वो बच्चों की गिणती है जिहड़े वक्रे वक्रे साल अपीयर होए है ये वो बच्चों की गिणती है जिहड़े वक्रे वक्रे साल अपीयर होए है किहड़ी स्टेट चो भला क्याऊ तो ठीक है जिहड़े क्याऊ स्टेट चो वक्रे वक्रे साल अपीयर होए है पर एक गल समझ की कोशिश करो इस चीज़ को समझ की कोशिश करो उन्होंने क्याऊ स्टेट चो जिहड़े बच्चे अपीयर होए है उन्हां दी गिणती पुछी है कि उन्हां दी एवरेज पुछी है एवरेज एवरेज की हुंदी है जिन्ने भी साल बच्चे अपीयर होए आ उन्हूं डिवाइड कर दो उहदे टोटल नंबर नाल किन्ने साल सी भला है 1 2 3 4 5 तो 5 नाल डिवाइड करन तों बाद की आजूगी अपने कोल एवरेज आजूगी सो तीसरे सवाल नूं जे आपां देखिए कि क्याऊ तों पहले साल बच्चे अपीयर होए आ 8100 दूजे साल 9500 तीजे साल 8700 चौथे साल 9700 यानी कि 9700 पंजवें साल 9950 8950 एंड होल डिवाइड बाय किन्ना आऊगा अपने कोल 5 5 नाल डिवाइड किया यह टोटल बनूगा 44950 ये टोटल बनूगा 44950 डिवाइड बाय 5 तो एवरेज निकल के आऊगी 9990 8990 एवरेज कि निकल के आऊगी 8990 समझ आ रहा सवाल इट मीनस अपना डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू होया अज टॉपिक ठीक है सो मैथ का बिल्कुल नवा टॉपिक है ये असी सब तो पहला आपां पाई चार्ट भी पढ़ने हैं लाइन ग्राफ भी पढ़ने हैं बार ग्राफ भी पढ़ने हैं पर अपना सब तो पहला असी दूजे बार चार्ट आए हैं ठीक है इनू आप टेबल कहने कि टेबल में पढ़ना है टेबल चो डाटा समझना फिर उस डाटे का जो जवाब मंगया उन्होंने की पता वो आपां नू परसेंटेज हुण इस सवाल जिहड़ा रीसेंटली कराया वो कहिंदे कि जिहड़ा क्याऊ स्टेट आ ना ये क्वेश्चन की कह रहा सीगा क्वेश्चन कह रहा सी कि भारत दीआं वक्खो वक्ख स्टेटां ने एम एन पी क्याऊ आर क्याऊ क्याऊ स्टेट दे विच्चों कोई पेपर होया 1997 नीट लीट का कोई पेपर होया होना है अपीयर होए बच्चे इन्ने इन्ने क्वालीफाई कर गए 98 इन्ने बच्चे अपीयर होए क्वालीफाई इन्ने कर गए सवाल बड़ा सिंपल सी कि क्याऊ स्टेट चों ऑन एन एवरेज किन्ने बच्चे अपीयर होंदे आ हर साल क्याऊ स्टेट चों ऑन एन एवरेज किन्ने बच्चे हर साल अपीयर होंदे आ पहले साल इन्ने दूजे साल इन्ने तीजे क्योंकि आ नहीं लिखने क्योंकि ये तो क्वालीफाइड आ सारे लिख के तो किन्ने नाल डिवाइड कर देंगे जिन्ने नंबर ऑफ ईयरस आते किन्ने सीगे 5 नैक्सट चलिए आप अगे आ जाओ भी अगे हुण यह सी अपना सवाल दूजा हुण आ जाओ तीसरा सवाल नूं बहुत ध्यान नाल समझो आपो अपने हिसाब नाल जे नोट करना चाहुंदे हो तो कर लो क्योंकि फिर मैं उपर टेबल ते लैके जाणा तुहानूं कहिंदा इन विच ऑफ द गिवन ईयर हेठ लिखे सालां चों 97 98 99 2001 इन्हां चार सालां चों किहड़ा साल आ नंबर ऑफ कैंडीडेट्स जिहड़े आ उह पी स्टेट दे विच क्वालीफाई कित्यां दा सब तो वध परसेंटेज ने मतलब कि मतलब कि केड़ा साल आ जिथे पी स्टेट चों सब तो वध परसेंटेज बच्चों की क्वालीफाई हुई है जिवें मतलब मैं तुहानूं पंजाबी च कह दां पी स्टेट वालियां दा सब तो वधिया रिजल्ट किहड़े साल आया है 1997 98 99 2000 कि 1997 तो चार ऑप्शनस ने किहड़े साल सब तो वध बच्चे जिहड़े उन्हां दे अपीयर होए आ उन्हां चों क्वालीफाई करके गए आ सवाल आ जी अपना आ तुहाडे सामने
तो चार ऑप्शनस ने, मैं कहना चार की तुम पंजा साल दस दो कि सब तो वधिया परसेंटेज तुम कि लगती है, की पूछ रहा भला पी स्टेट जोड़ा है आ पी स्टेट को लैके उन्हें टारगेट कर सवाल, कहिंदा पी स्टेट के 1997 किन्ने बच्चों ने पेपर दिता है 6400 ने, पर किन्ने पास कर गए 780, अगले साल पेपर किन्नियां ने दिता है 8800 ने, तो किन्ने पास कर गए 1020, अगले साल पेपर किन्नियां ने दिता है 7800 ने, तो किन्ने पास कर गए 890, अगले साल पेपर किन्नियां ने दिता है 8750, तो किन्ने पास कर गए 1010, अगले साल पेपर किन्नियां ने दिता है 9750 ने, तो किन्ने पास कर गए 1250। कायदे के मुताबिक देखा जाए तो सब तो वध बच्चे पास इत्थे होए आ, पर की ये परसेंटेज वाइज भी सब तो वध ने ये चैक करना पऊगा किहड़े-किहड़े चार साल उन्होंने अपन ऑप्शन च पाए सी 97, दूजा 98, तीजा 1999, तो चौथा कहड़ा 2001। चारों चों दसना आपां कि सब तो बेस्ट आंसर कहड़ा है, पहला आपां 97 दा कढ़ीए, 97 दे विच तुहाडे 780 बच्चे पास होए आ, किन्ने चों किन्ने चों 6400 चों, तां तुहानूं 1997 दी तुहाडी परफॉर्मेंस आ रही, ठीक है, आ 20 नाल 20 कट्टियां गईयां, 780 नूं 64 नाल डिवाइड करियो किन्ने परसेंट बनिया, कैलकुलेटर ते कर लो, भावें 780 नूं 64 नाल डिवाइड करके कैलकुलेटर ते करो 12.1। आ लो जी, ये साल सी 1997, आ जाओ भी 98 च, 98 तो बाद 1999 ते फिर 2001, आही आ 98 च आ जाओ, 98 दे विच तुहाडा की परफॉर्मेंस आ 1020/8800, 1020 बच्चे थोड़े पास होए आ, तो कुल तुहाडे कोल 8800 बच्चे अपीयर होए सीगे, 1020 नूं 88 नाल डिवाइड करो किन्ना 11.5, फिर उस तो बाद 1999 वाले साल ते आ जाओ, 1999 वाले साल च तुहाडे 980/8700 आ, नौ सौ अस्सी नूं 87 नाल डिवाइड करियो किन्ना 11.1, ठीक है। नैक्सट अगले साल आ जाओ 2001, 1250 बच्चे थोड़े पास होए आ, 1250 बच्चे पास होए आ 9750 चों, ठीक है, 12500 नूं 975 नाल डिवाइड करो, 12500 नूं 975 नाल किन्ना 12.8, आही है वो 12.8 आ 12.18, तो तुहानूं पता है कि 12.18 का मतलब 12.1 ही हुंदा, जां 12. तुहानूं पता कि जे तुसीं आ 8 हटाउणा भी चाहुंदे हो तो जे आ इस दूजे पॉइंट तो अगे दूजे स्टैप ते जाके नंबर 5 जां 5 तो वड्डा होवे तां तुसीं इत्थों वाले नंबर 5 जां 5 तो वड्डा होवे तां तुसीं इस नंबर नूं तुसीं 1 वधा दिंदे हो, तां इह 12.2 ही रह गया। मैं कंपेयर करने वास्ते सारे एक एक अक्षर तक ही लै गया सारे, तो सब तो वध परसेंटेज कीड़ी है भला, मनिया कि नंबरस भी सब तो वादा सी, तो पर परसेंटेज भी सब तो वादा, मैं कन्फर्म कर ला कि आप जो आंसर कढ़िया है वो सही है, बिल्कुल पहला आंसर सी 12.1 नो, दूजा है 12.5 नो, तीजा है 12.41, अगला है 11.54, ये 2000 वाला है, तो ये ऑप्शन पूछा भी नहीं सी, आप कढ़िया नहीं, पर इतने सोल्यूशन कढ़ रखे उन्होंने, अगला है 12.82। सो सब तो वध प्रतिशत 2001 वाले साल च बच्चों की पास हुई है, आ समझ आ गई चीज़, चलिए आप अगे नैक्सट अगला सवाल आ जाओ अपने को, अगला सवाल की कहता है, कहता एन स्टेट चो आ जाओ भी, जी एन स्टेट आ सवाल समझो की है, जी एन स्टेट आ कहता उत्थे कुल सारे मिला के एन स्टेट चो आ सारे साल मिला के किन्ने बच्चे क्वालीफाई होए आ, जिन्ने एन स्टेट चो की होए आ अपीयर होए आ, मतलब एन स्टेट चो किन्ने बच्चे क्वालीफाई होए आ, उन्हां दी परसेंटेज दसो जिन्ने बच्चे उत्थे की होए आ भला अपीयर होए आ। पहला तो तुसीं ये देखो एन स्टेट दी परसेंटेज कढ़नी आ, मल्टीप्लाई करके किन्ना करांगे 100, कहिंदा एन चो अपीयर होयां चो किन्ने परसेंट क्वालीफाई होए आ, पहला तुसीं ये दसो कि एन चो कुल अपीयर किन्ने होए आ, एन चो एन स्टेट चो कुछ कुल अपीयर होए आ 7500 प्लस 9200 प्लस 8450 प्लस 9200 प्लस 8800, ये न्यूमीरेटर चाहूगा कि डिनोमीनेटर चाहूगा, कहिंदा अपीयर होयां चो किन्ने क्वालीफाई होए आ, इहदा मतलब अपीयर होए थल्ले उन्हां चो जिहड़े क्वालीफाई होए आ, परसेंटेज तां क्वालीफाइड दी पुछी आ कि किन्ने बच्चियां ने पेपर पास किया है,
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪੀਅਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ 100। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਨ ਦੀ। ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ 'ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ 400 840 ਪਲੱਸ 1050 ਪਲੱਸ 920 ਪਲੱਸ 980 ਪਲੱਸ 1020। ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆਊਗਾ 7500 ਪਲੱਸ 9200 ਪਲੱਸ 8450 ਪਲੱਸ 9200 ਪਲੱਸ 8800। ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੋਨਸੈਪਟ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਚੱਲੀਏ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ 1999 'ਚ, ਬਸ 1999 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ, 1999 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ 1999 'ਚ, 1999 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 1999 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 1999 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 1999 'ਚ ਕੀ ਹੋਏ ਆ ਅਪੀਅਰ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਅਪੀਅਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੱਡਤਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਕਰਤਾ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ 'ਚ, ਪੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸਟੇਟ, ਆਹ ਪੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਪਲੱਸ ਆ 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 ਪਲੱਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏ ਆ ਭਲਾ, ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਪੀਅਰ ਵਾਲੇ ਲਿਖੋ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ 'ਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਅਤੇ ਆ ਪਲੱਸ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗਾ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 780 ਪਲੱਸ 950 ਪਲੱਸ 1020 ਪਲੱਸ 1240 ਪਲੱਸ 890 ਪਲੱਸ 980 ਪਲੱਸ 1010 ਪਲੱਸ 1200 ਪਲੱਸ 1250 ਪਲੱਸ 995। ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ 'ਚੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ 6400 ਪਲੱਸ 8100 ਪਲੱਸ 8800 ਪਲੱਸ 9500 ਪਲੱਸ 7800 ਪਲੱਸ 8700 ਪਲੱਸ 8750 ਪਲੱਸ 9700 ਪਲੱਸ 9750 ਪਲੱਸ 9950, ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਲੈਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵਰਟੀਕਲ, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 7 ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 8 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਏ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ,
मैनू लगता टैलेंट दिखा गया ओके ओके ठीक है ठीक है बहुत ध्यान नाल मोस्ट इंपॉर्टेंट द फॉलोइंग ओके ओके सॉरी इतों सवाल शुरू है भी बड़े ध्यान नाल सब तो इंपॉर्टेंट सवाल मानता मैं देखा कि उपर उन्हें लिखे ही कुछ नहीं सवाल इतने लिखा जी पढ़ो ध्यान नाल की लिखा भावें इस गल नूं अपनी कापी ते नोट कर लो भावें दिमाग च नोट कर लो कि लिखिया की है कहिंदा जिहड़ा हेठ लिखी सारनी है ना जिहड़ी उह बच्चियां दी किन्ने प्रतिशत बच्चियां ने सत्त बच्चियां ने छे वक्खो वक्ख विशियां च जो नंबर आए है ना उहनां दी इह परसेंटेज दे रखी है चलिए जी गल समझ आ गई कि थल्ले हेठां लिखी सारनी विच बच्चियां दी परसेंटेज दी जानकारी दित्ती है कि उहनां सत्त बच्चियां ने छे वक्खो वक्ख विशियां विच किन्ने प्रतिशत अंक हासिल कीते चलिए आ जाओ आ गल लिख ली सारे ने हुण आ जाओ अगे कहिंदा ब्रैकटां दे विच जो जानकारी दित्ती गई है वह की आ ब्रैकटां दे विच दित्ती जानकारी आ कि वध तो वध मैक्सीमम मार्क्स की इंग्लिश पता की हुंदी आ मैक्सीमम मार्क्स का मतलब हुंदा कि पेपर किन्ने नंबर का सी मैक्सीमम मार्क्स के मतलब यही है ना जे कोई पेपर मैक्सीमम मार्क्स किसी के 60 आ तो यदा की मतलब होया भला कि कोई बच्चा 60 तो वध नंबर लै सकता वो अपने छोटे होंगे नर्सरी वाला काम नहीं गा कि मैडम ने 100 चो 105 देते कि 5 बेटा तेरी राइटिंग बहुत सोहनी है तां देते है ये प्रोटोकॉल्स दे विच रह के ही आपां नंबर देने हैं मैक्सीमम मार्क्स 100 का मतलब आ कि 100 नंबर का पेपर सी मैक्सीमम मार्क्स 80 का मतलब की आ कि पेपर किन्ने नंबर का सी 80 नंबर का मैक्सीमम मार्क्स का मतलब ये होंगे कि पेपर इन्ने नंबर का सी कहिंदा आ बच्चे ने सत्त बच्चे किहड़े किहड़े आ जी तो उन्हां दे आ विषय ने आ चक्को जी आ चीज़ ठीक है हुण इह दसो आयुष 90 इहदा की मतलब आ हाँ जी की आ उन्होंने साफ लिखा है आ 90 नंबर नहीं गए आपां नूं सीधा भुलेखा पैना सी कि उहदे 150 च 90 नंबर आ क्योंकि असी की करते हैं इत्थे तां सारी कहानी आ टेबल पढ़ते नहीं टेबल च उपर वह साफ लिख रहा कहिंदा ये नंबर नहीं गए ये की है भला टेबल गिवस द परसेंटेज ऑफ नंबर इहदा मतलब जिहड़ा आयुष है ना उहदा 90 नहीं तां तुसीं आप दसो कित्थे उलझ जांदे तुसीं आ के आ जिहड़ा हिस्टरी का पेपर आ किन्ने नंबर का है 60 नंबर का तो आयुष दे किन्ने आ 70 इज़ इट पॉसीबल कि 60 चो 70 नंबर आ जाएंगे नहीं इहदा मतलब उन्होंने थले की दिते हुए सी भला परसेंटेज दिती हुई है हुण मान लो कोई मैनू कह दे कि बई 150 नंबर का पेपर सी मेरे किन्ने नंबर आ भला वो मेरे नंबर किन्ने आ 90% मेरे नंबर आ 150 दा 90% मेरे नंबर आ किन्ने नंबर आ मेरे 90% ऑफ 150 परसेंट का मतलब हुंदा है बटे च 100 ऑफ का मतलब जानी कि दा का मतलब गुणा इहदा मतलब मेरे नंबर पता किन्ने आ नंबर मेरे 135 आ मेरे नंबर किन्ने आ 135 एक अंक गणित बहुत औखा होगा इस सवाल च सो आ समझ आ गई इस सवाल नूं आपां पूरा दिमाग ला के करना हुण इहदे अगे 5 पार्ट आ ते 5 दे 5 पार्ट एक चैलेंज दे तौर ते होणगे किते ओह परसेंटेज किच्छी पुछी जाणगे किते ओह नंबर पुछी जाणगे किते नंबरां दी जगह परसेंटेज लिख दो परसेंटेज दी जगह नंबरां दी एवरेज कढ दो सो बड़े ध्यान नाल करियो आ जाओ भी हुण करिए आपां इन्ना कु तां तुसीं अवेयर हो गए कि गलती होण दे पूरे चांस आ आओ भी अगे कहिंदा 7 बच्चियां दे फिजिक्स च एवरेज नंबर किन्ने आ बस 7 बच्चियां दे फिजिक्स च एवरेज नंबर दसो किन्ने आ आ जाओ भी तुहाडे सामने सवाल आ फिजिक्स यानी कि भौतिकी दे विच एवरेज नंबर किन्ने आ आ 7 दे 7 बच्चियां दी लिस्ट तुहाडे सामने बनाती आ एरो पा के दस भी दिता कि किसी नूं उपरों स्क्रीन ना भी दिसदी होवे ये एरो पा के दसता कि ये एरो जिहड़ा है ना ये फिजिक्स नूं रिप्रजेंट कर रहा है ये एरो फिजिक्स नूं रिप्रजेंट कर रहा दसो फिजिक्स दे विच एवरेज नंबर किन्ने आ बच्चियां दे सब तो पहला तो मैंने ये दसो आयुष के किन्ने नंबर आ हाँ जी 90% आ पर उन्होंने नंबर की एवरेज पूछी है सब तो पहलों आ जाओ आयुष के नंबर कढ़ो आयुष दे आ 90% किस का 90% 120 का वो 90% आ तो 90% मतलब 90/100 गुणा 120 आयुष के नंबर किन्ने आ 108 ये आयुष के नंबर आ 108 ठीक आ आयुष के नंबर जोड़े आ वो 108 ने 80% वाले नंबर किन्ने आ मैं नीले रंग च नंबर लिख रहा नाल क्योंकि उरां दे परसेंटेज आ 120 दा 80% 12/96 बई इहदे नंबर 96 आ किसे नूं कोई डाउट इहदे च ओह गल समझ आई
तीसरे वाले 70% 120 का 120 का 70% किन्ने हो गए भला 84 ये नंबर किन्ने हो गए भला 96 ये नंबर कटो किन्ने हो गए भला 100 ये नंबर किन्ने 65% वाले दे क्योंकि आप कि धोखा खा लेना सी असी एवरेज पता किमें कढ़ देनी सी 90+80+70+80+85+65+ दिस डिवाइड बाय एवरेज कढ़ देनी सी 70 ते पं आद मैं दस सकदा किन्ने 60 ठीक है जी ये वो बच्चे दे नंबर आए है बच्चों के नंबर आ फिजिक्स जे मैं तुहानू कहां कि फिजिक्स टोटल किन्ने नंबर आए तुसी कढ़ लोगे बहुत आसानी नाल पर जे मैं कहां फिजिक्स दे विच एवरेज नंबर किन्ने आए आ तुसी कहोगे फिजिक्स दे विच एवरेज नंबर एवें पता लगणगे पहले जवाक दे आए आ जी 108 पहले जवाक दे किन्ने सी 100 दूजे जवाक दे फिजिक्स नंबर किन्ने आ 90 तीसरे जवाक दे चौथे जवाक दे पंजवें जवाक दे 10 छेवें दे 78 ते लास्ट जवाक दे किन्ने आ ये जवाक है किन्ने टोटल किन्ने ते एवरेज कढ़न वास्ते किन्ने नाल डिवाइड करांगे 7 नाल तां लो जी अपने कोल आंसर कन्फर्म कर लिए कि अपना आंसर किन्ना आ गया अपना आंसर आ गया 90+80+70+80 आपां क्यों कैलकुलेशन गलत कीतियां होईयां आंसर बी आ 89.14 बिल्कुल सही है ना चलो ठीक है आंसर 89.14 आना चाहिए क्लीयर है कंसैप्ट ठीक है आ दसो किसी कोई डाउट चंगी तरह समझ आ गया चलिए आप अगे सवाल नू बहुत ध्यान नाल बिकॉज तुसी एक गल देख लो तुसी ये चीज़ समझ गए इस सवाल तक हुण पहुँचते कि मन्या कि सवाल डाटा इंटरप्रिटेशन आ पर इन्ना लीनियट नहीं लैके चल सकते अगले परसेंटेज दे के नंबरस दे विच खड़ा के धोखा दे सकते बड़े आराम नाल सो इतों एक गल तो क्लीयर हो गई कि हाँ सवाल डाटा इंटरप्रिटेशन का जिमें का मर्जी आए औखा आए सौखा आए पर आप बहुत बरीकी नाल पढ़ना है आ जाओ भी अगले सवाल से अगला सवाल दसो की कहता वो कहता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने बच्चे आ जिन्हों ने 60% जां उस तो वध नंबर ले आ सारे विषयों चो किन्ने बच्चे आ जिन्हों ने सारे विषयों चो 60% जां 60% तो वध नंबर ले आ दसो जी दूसरे सवाल नू करो कैलकुलेट किन्ने बच्चे आ जिन्हों ने 60% जां 60% तो वध नंबर ले आ सारे सब्जेक्टा चो आ रहा डाटा थोड़ा ए आ थोड़े कोल डाटा है वैसे एक गल दसो आ जिहड़े नंबर जो इत्थे लिखी हुई आ ये परसेंटेज आ कि नंबर आ ये परसेंटेज आ कि नंबर आ चीज़ है जिहड़ी परसेंटेज इतों सीधा ही पता लग जाना परसेंटेज का जे कि नंबर दिते होंगे फिर कले कले जवाक की कढ़ते भला भला परसेंटेज कढ़ते ये तो दिती हुई परसेंटेज आ तो किन्ने जवाक आ जिन्हों के सारे सब्जेक्टा चो 60 तो उपर नंबर आ पहला वाला तो कढ़ दो इतें डुब गया उन्होंने ये भी नहीं किया 60 या 60 तो उपर उन्होंने 60 तो उपर गए 60 वाला भी कढ़ दो ठीक है दूजे वाला ये भी गया बार क्योंकि ये एक चो 40 आ उन्होंने कहा कि वह किन्ने बच्चे आ एक तीसरे वाला जवाक ये भी गया उन्होंने क्या है 60 या 60 तो उपर ऐड किया 60 बस फिर ठीक है फिर तीसरे वाला विच ऐड होगा ठीक है फिर चौथे वाला दसो चौथे वाला ऐड होगा फिर तो चौथे वाला भी ऐड होगा 60 या 60 तो उपर जे कहे आ तो फिर तो तीजे वाला भी ऐड होगा चौथे वाला भी पर मुस्कान जी ऐड होणगे नहीं तनवी जी ऐड होणगे नहीं 40 आ गए तरुण जी ऐड होणगे ना 35 आ गए एक गल दसो ये गल समझ आई तुहानू कि इस सवाल च जे इत्थे नंबर दिते होंदे फिर कले कले जवाक दी की कैलकुलेट करनी पैंदी आपां नूं परसेंटेज उह तां बहुत औखा काम सीगा ठीक है फिर उह एडी औखी कैलकुलेशन शायद उह पाउंदे ना आ दसो जी गल समझ आ गई एक सवाल नूं समझो सो आंसर भी कन्फर्म कर लिए हू ऑब्टेन्ड 60 एंड अबव सिर्फ दो आपां आंसर तिन्न कढ्या दो कढ्या आपां दो ही कढ्या फिर ठीक है मतलब कि प्लीज़ चैक कर लिओ आंसर सही है ना नैक्सट अगे आ जाओ हाँ जी आ जाओ साजल दे कुल किन्ने नंबर आए आ साजल दे कुल किन्ने नंबर आया कोई साजल नाम का करैक्टर होगा इन्हें आडे सामने आ बस मैं दसो आडे सामने साजल कि जी आ साजल जी के कुल नंबर दसो किन्ने मैनू लगता इन्ना क टेबल तुहाडे सामने बहुत आ साजल जी के कुल नंबर दसन वास्ते जे ताडे च कोई बाला काला हुंदा बिना सोचे करन वाला तो साजल दे आ सारे नंबर जोड़ दिंदा
वो बाद पता लगता कि ये साजल के नंबर नहीं गए, ये साजल जी की है परसेंटेज है। जे साजल ने 150 के 90% नंबर लाए आ तो दसो कि साजल जी के नंबर आए कि 150 का 90% 90% ऑफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 150 135 किन्ने आए जी। अब साजल जी ने कमिस्ट्री चो रसायनिक विज्ञान चो कि नंबर हासिल किए 60% 130 का ऐना करो इन्ना तो मैं 13-6 ना गुणा करनी आती है। ठीक है अगे आ जाओ 12-7 84 70% 100 का ये 100 का 70% ये तो मैं कल भी सिरख पा के हटिया कि 100 पिछे जेड़ा भी नंबर आता परसेंटेज ही होंगी है कल दस्या सी ना ता खैर आ जाओ अगे 60 का 90% 54 60 के जो तुम 90% नंबर ले 60% 60 × 10 = गुणा 90% 90% का मतलब बटे च 100 60 × 90 / 100 तो कि आ गया अपने को 28। आ दसो जी गल चंगी तरह समझ आ गई 135 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 70 प्लस 54 प्लस 10 ये की आ गए अपने को जी टोटल मार्क्स। ठीक है किन्ना ए इनू जोड़ दो सारे नू ते श्योर करके होके दसो कि ये नंबर 449 आए है। बिल्कुल आंसर डी इज़ दी करैक्ट। समझ आ गई गल वो समझ आ रही है चीज़ डाटा इंटरप्रिटेशन नू लैके कुछ हद तक अपनी कलैरिटी आनी चाहिए है। जे आप डाटा इंटरप्रिटेशन नू लैके कलैरिटी नहीं लैके आवेंगे तो फिर अपने वास्ते ये चीज़ा औखिया ने। ठीक है सो नैक्सट अगे आ जाओ अगले टॉपिक ते अगले सवाल ते सॉरी हाँ जी कहिंदा किस सब्जेक्ट च ओवरऑल एवरेज ओवरऑल परसेंटेज सब तो वधिया है किहड़ा सब्जेक्ट आ जिहदे च ओवरऑल परसेंटेज सब तो वधिया है किस सब्जेक्ट च ओवरऑल परसेंटेज सब तो वधिया है ये दसो कि किहड़े सब्जेक्ट की ओवरऑल परसेंटेज सब तो वधिया है। देखो सब तो वधिया गल ये कि मैथ दे विच सारे बच्चों के 90, 100, 90, 80 ये परसेंटेज आ रहे हैं तुसी दस सकते हो कि मैथ दे विच सारे बच्चों ने औसतन किन्ने कु परसेंट नंबर लए है ऑन एन एवरेज सारे बच्चों ने किन्ने कु परसेंट नंबर लए है मैथ च 90 + 100 + 90 + 80 + 80 + 70 + 65 / 7 इतों पता लग जूगा कि मैथ विच बच्चों के किन्ने कु परसेंट ऑन एन एवरेज नंबर आए है। आप परसेंटेज की भी एवरेज कढ़ ली कि अच्छा मैथ दे विच सारे दे इन्ने कु परसेंट नंबर आए है ऑन एन एवरेज कि किसी के 90 आ किसी के 80 आ जे दो जने पेपर दे हुण देण गए आ एक दे 90 आ गए एक दे 80 मैं कहूँगा यार मैथ दे विच ना 85% एवरेज बनी है बच्चों की कि एक दे 80% सी एक दे 90% सी इस करके किन्ने परसेंट एवरेज बनी है 85% एवरेज बनी है। आ समझ आ गई फिर आप कढ़ांगे दूजे की 50, 80, 80, 80 ये तो परसेंटेज बहुत माड़ी है क्योंकि यदि एवरेज कढ़नी है ये परसेंटेज जी 90, 80, 70, 80, 85, 65, 50 ये भी एवरेज बहुत माड़ी है ये नेड़े तेड़े एवरेज किसी की लग ही नहीं रही। ठीक है हाँ मुकाबला जे हो सकता थोड़ा बहुता तो ये हो सकता है ये आ वाले नाल। ठीक है अदरवाइज़ ये भी 70, 80, 90, 60, 50, 40, 80 ये देखो 90, 100, 90, 80, 80, 70, 65 तो एवरेज जो देखी जाए ना परसेंटेज की एवरेज तो सब तो वधिया परसेंटेज किहड़े बच्चों ने हासिल की है मैथ मैथ वालिया ने सब तो वध बाकी कैलकुलेट करके देख लो सारे की परसेंटेज की एवरेज कढ़ के देख लो। ठीक है परसेंटेज की एवरेज सीधी सीधी परसेंटेज जोड़ो 5 नाल डिवाइड कर लो ये ना कहो कि नंबर की एवरेज कढ़नी है उन्होंने पूछा ना सब तो वधिया परसेंटेज किहड़े विषय चो आई है तो जिहड़े विषय च परसेंटेज सब तो वधिया होगी उत्थों के बच्चों की परसेंटेज एवरेज बहुत वधिया होगी औसतन उत्थों के बच्चों ने बहुत वधिया प्रतिशत हासिल की होगी ऑन एन एवरेज उस विषय उस सब्जेक्ट के बच्चों की परसेंटेज ओवरऑल गुड आई होगी। आ गल समझ आ गई नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ वट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण तरुण की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है
लो जी करो अगे तरुण की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है आ रहो जी अपने को वट इज़ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण तरुण की ओवरऑल परसेंटेज आ लो जी तरुण की परसेंटेज दसनी है मैं तुम्हें तरुण से लै गया आ तरुण के नंबर आए हुए हैं ठीक है आ तरुण के नंबर आ मैथ चो 150 चो ये आ रहे आ रहा तरुण मैथ चो 150 चो हाँ ये 130 चो ये 1 चो यदी एव परसेंटेज दसो कि तरुण की ओवरऑल परसेंटेज कि तुम ओवरऑल प्रतिशत किमें कडोगे किड्डा इंट्रस्टिंग सवाल आ इतें आके आप बहुत ट्रैप होंगे टोटल परसेंटेज आपसेंटेज की एवरेज कदें नहीं कड़ सकते याद रखियो आपसेंटेज की एवरेज नहीं होती टोटल परसेंटेज जे कोई मैं कहे ना कि मेरी ओवरऑल एव परसेंटेज कडो तो एक ही तरीका है ओवरऑल परसेंटेज कढ़ कि मेरे कुल किन्ने नंबर आए हैं तो किन्ने चो आए आ एक गल याद रखियो एवरेज की परसेंटेज कढ़नी अड्ड चीज़ होंगी है परसेंटेज की एवरेज कढ़नी अड्ड चीज़ आ ओवरऑल परसेंटेज कढ़नी अड्ड आ ओवरऑल परसेंटेज का तो एक ही फार्मूला है कि मेरे कुल किन्ने नंबर आए हैं तो किन्ने चो आए हैं भाई मैं यही नहीं पता कि तरुण के नंबर किन्ने आए हैं तरुण के 150 चो 65% नंबर आ तरुण के इस विषय चो किन्ने नंबर आए पहले चो 65% 150 का 65% किन्ना होंदा है 150 का 65% किन्ना होंदा है 97.5 तरुण के 97.5 नंबर आए हैं 150 चो पहले सबजैक्ट चो दूजे सबजैक्ट च नव नव ये नंबर आए 45.5 किन्ने चो आए 45.5 120 चो 45.5 वो नंबर आए हैं तीजे चो तो 50% नंबर आए हैं 130 चो 45.5 ही है ना तीसरे 50% नंबर आ किन्ने चो 60 आए हैं 120 चो चौथे चो तो 77% नंबर आ किन्ने चो 100 चो 100 चो 77% मतलब सीधा हिसाब आ 77 नंबर आ 100 चो पंजे चो 80% नंबर आए 60 चो 60 का 80% कि होंगे 48 80% 60 नंबर का तेरा पेपर आ उस 80% आ 60 का 80% 60 × 80/100 अगले चो 80% नंबर आ कि चो 40 चो 40 का 80% मैं फिर कट के भी सिखाता कई बार उलझ जाता बत्ता आ गए जो 32 नंबर आए किन्ने चो 40 चो ओवरऑल परसेंटेज एवं कड़ियो हमेशा ओवरऑल परसेंटेज किमें कढ़नी है दसो भी वो कुल किन्ने नंबर आए हैं जो ते कल सबजैक्ट चो मार्कशीट CBSE की दसवीं की बन के आँदी है तुम दस्या होंगे ना कि ये इन्ने इंग्लिश चो इन्ने ये चो इन्ने ये चो इन्ने ये चो इन्ने तो तुम सब तो पहला देखते हो कि नंबर किन्ने आए हैं वट इज़ 97.5 प्लस 45.5 प्लस 60 प्लस 77 प्लस 48 प्लस 32 ते नंबर आए कुल 360 बई आए किन्ने चो 150 प्लस 130 प्लस 150 150 तो आ गया 250 250 तो 400 400 500 580 टोटल पेपर सीगा किन्ने नंबर का ना ना आ 60 टोटल नंबर किन्ने टोटल पेपर किन्ने नंबर का है 600 नंबर का पेपर तो 360 नंबर आए आ मैनू लगता है ये तो 60% आ लो जी फस्ट डिवीजन जो मुंडा पास हो गया ठीक है आ गल दसो जी गल समझ आ गई कि ओवरऑल परसेंटेज एवें कढ़नी आप गल बहुत इंपॉर्टेंट आ इट मीनस जे मैं लास्ट सवाल ना करवाउंदा तो तुसी ओवरऑल परसेंटेज भी गलत कढ़ सकदे सीगे सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जिहड़ियां आप डिस्कस करियां हुण तुहानू ये गल समझ आ गई कि आखिर सानू एक एक सवाल क्यों करना चाहिए इहदा बेसिक्स सानू सारे डाटा इंटरप्रिटेशन दे पता होने चाहिए आ ठीक है नैक्सट उस तो बाद एक टॉपिक एक सवाल होर आ जिहड़ा आप करांगे ठीक है ये हाँ जी नैक्सट अगला सवाल आ जाओ ठीक है कहिंदा क्लासीफिकेशन आओ नैक्सट अगले क्वेश्चन ते आओ आ बड़ा वधिया सवाल आ स्टडी दी फॉलोइंग टेबल एंड आंसर दी क्वेश्चंस स्टडी दी फॉलोइंग टेबल एंड आंसर दी क्वेश्चंस कहिंदा 100 बच्चे उन्होंने जिहड़े नंबर आए आ फिजिक्स ते कैमिस्ट्री च ठीक है 50 चो पेपर आए आ नंबर आए आ बहुत कैंट सवाल अपने आप मैनूं लग रहा कि वधिया सवाल आ ठीक है 50 चो नंबर आ कहिंदा जिन्हां दे 40 जां 40 तो वध आ फिजिक्स चो 9 बच्चे आ कैमिस्ट्री चो 4 आ एवरेज 7 बच्चे आ जिन्हां दे 40 तो उपर आए आ ठीक है अगे 30 तो उपर जिहड़े बच्चे आ आ रहे इन्ने ये चो एग्रीगेट इन्ने
एवरेज टोटल करके इन्ने बच्चे आ जिन्हां दे उपर उपर नंबर आ, जिन्हां दे फिजिक्स चों 40 तो नंबर उपर आ ठीक आ वह इन्ने बच्चे आ, जिन्हां दे कमिस्ट्री 40 तो उपर नंबर आ वह इन्ने बच्चे आ, जिन्हां दे जोड़ के 40 तो उपर नंबर आ दोवां विषयां चों वह जोड़ के जिहड़े एवरेज निकलदी आ। कई वारी किसी बच्चे दे कल्ले फिजिक्स चों 40 तो उपर नंबर हो सकदे आ, किसी के कल्ले कमिस्ट्री 40 तो उपर नंबर हो सकते हैं, किसी के दोवां चो जोड़ के जिहड़ी एवरेज निकलती है वो चो 40 तो उपर हो सकते हैं, एग्रीगेट एवरेज मेरी गल समझ गए ना। तो जिहड़े बच्चों के सिर्फ फिजिक्स चो 40 तो उपर वो सिर्फ 9 बच्चे आ, जिन्हां के कमिस्ट्री 40 तो उपर नंबर वो किन्ने आ 7 बच्चे। जिहड़ा नूं मास्टर ने कहा अच्छा भी तेरे फिजिक्स चो 40 तो उपर है, हाँ जी मेरे है, कमिस्ट्री तो 40 तो उपर है। जिहड़े बच्चों की एवरेज 40 तो उपर निकलती है, मतलब फिजिक्स चो उन्हां दे नंबर सीगे 30, कमिस्ट्री चो नंबर सीगे उन्हां दे 80 ठीक आ, जां कमिस्ट्री चो नंबर सीगे उन्हां दे 70 ते 30 प्लस 70 किन्ना हो गया 100, 100 बटे 2 किन्ना हो गया 50, एवरेज 40 तो उपर टप गई। तो यह उस कैटेगरी भी फॉल कर गया जिन्हां दी एवरेज भी 40 टप गई है ठीक आ। सो वह बच्चे 7 आ। हुण जे मैं कहां 30 तो उपर किन्ने बच्चे आ यार, जिहड़े 40 तो उपर आ वो 30 तो उपर तो है ही है, 30 तो उपर उन्होंने कहा 30 तो उपर फिजिक्स 30 तो उपर वाले बच्चे हाथ खड़े करो। पहला उन्होंने कहा फिजिक्स 40 तो उपर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, किन्ने बच्चे खड़े हो गए 9। फिर कहता इदा करो फिजिक्स 30 तो उपर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 9 तो पहले ही खड़े थे, 21 होर खड़े हो गए, 23 होर खड़े हो गए, तो वट इज़ 9 प्लस 23 32। तो 32 बच्चे वो आ जिन्हों के नंबर किन्ने तो उपर आ भला 30 तो। फिर कहता 20 तो उपर वाले खड़े हो जाओ, 32 तो पहले ही खड़े थे, 48 होर खड़े हो गए, तो वह किन्ने हो गए भला 80। फिर कहता 10 तो उपर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 12 होर खड़े हो गए, किसी ने कहा 0 तो उपर वाले खड़े हो जाओ, फिर तो सारी खड़े हो गए, 100 बच्चों का डाटा है, 100 के 100 ही खड़े हो गए ठीक है ना। सो आ सारा स्थितियां ने थोड़े सामने देखो, वैसे जे तुहाडे जे तुहानू करन वास्ते कह रहा तो इन्ना बनता तो नहीं समझाउणा, पर फिर भी मैं समझाती है गल। हुण आ जाओ पहला सवाल लिख लो, फिर आपां चक के आपां उपर इनफॉर्मेशन क्वेश्चन ते जाणा है। वैसे आ लो जी, लिखण दी लोड़ ही नहीं, बस इत्थों ही तुहाडा सारा सर रहा अपना ठीक है, इत्थों क्वेश्चन अपना आराम नाल अपनी क्वेश्चन च अपनी हैल्प हो जूगी। कहिंदा किन्ने बच्चे आ जिन्हां ने 30 कट ऑफ कमिस्ट्री च, जिहड़े बच्चे कमिस्ट्री च 30 कट ऑफ पूरी कट गए, ते जिहड़े ने ओवरऑल जो 30 दी कट ऑफ पूरी कीती आ उहनां दे विच किन्ना डिफरेंस आ 30 तों उपर। जिहड़े देखो एक गल आ, 30 नंबर दी कट ऑफ पूरी करन वाले कमिस्ट्री च किन्ने बच्चे आ, वे 30 नंबर की कट ऑफ पूरे करने वाले कमिस्ट्री किन्ने बच्चे आ 21, किन्ने आ जी 21 बच्चे आ जिहड़े 30 नंबर की कट ऑफ पूरी करके गए आ 21। तो देखो कहिंदे 30 नंबर की कट ऑफ जिन्होंने कमिस्ट्री पूरी कर ली वो किन्ने आ 21, तो 30 नंबर की कट ऑफ जिन्होंने एग्रीगेट पूरी कर ली, एग्रीगेट मतलब जोड़ के वो किन्ने आ 27, तो दोवें च फर्क किन्ने आ 6 दा। सो पहले सवाल का जवाब किन्ना आ गया 27 माइनस की आ गया जी 21, ये कोई कैलकुलेशन है ही नहीं सी, बस दिमाग लाना सी। चलिए क्लीयर है गल, आ जाओ हुण दूजे सवाल ते, बहुत इंपॉर्टेंट आ, इहनूं ध्यान नाल पढ़ियो, भावें पढ़ लियो भावें लिख लियो, फिर आपां उपर तक जाणा है। कहिंदा जेकर घट्टो घट 60% फिजिक्स नंबर लैणे जरूरी आ, जे आपां उच्च पद्धरी पढ़ाई करनी आ फिजिक्स, BSc करनी आ ऑनर्स फिजिक्स जां कुछ भी कह लो, तां किन्ने बच्चे फिजिक्स दे विच हाई एजुकेशन वास्ते एलीजीबल ने, किन्ने बच्चे फिजिक्स दे विच हायर एजुकेशन वास्ते एलीजीबल ने। जेकर 60% का क्राइटेरिया रख दिता जाए, घट्टो घट 60% नंबर, इट मीनस 60% वाले भी एडमिशन मिलेगी हायर एजुकेशन, तो किन्ने बच्चे एलीजीबल ने। आ जाओ भी हुण 60% फिजिक्स का एलीजीबिलिटी क्राइटेरिया है, आ जाओ भी दसो जी किन्ने बच्चे आ जिहड़े एलीजीबल होणगे, लाओ दिमाग तुहाडे सामणे ही आ, किन्ने बच्चे आ जिहड़े किन्ने नंबर तो उपर वाले अपने कोल 60 नंबर तो उपर वाले आ किहदे च भला फिजिक्स च। लो जी करो कैलकुलेट, किन्ना आंसर आऊगा अपने कोल इहदा। सब तो पहली गल, 60% नंबर फिजिक्स दे विच जिहड़े बच्चे दे आ गए
जेडे बच्चे दे 60% नंबर आ गए वह बच्चा हायर एजुकेशन एलिजिबल आ। फिजिक्स दे विच 60% नंबर आने चाहिए आ, पर यह दसो कि फिजिक्स का पेपर है किन्ने नंबर का सी, किन्ने नंबर का सी, कित्थे लिखा कि फिजिक्स का पेपर 50 नंबर का सी, आ लिखा होया कि आउट ऑफ 50 50 दे विचों फिजिक्स दे विच। पहली गल यह दसो कि जे 50 नंबर का पेपर हो ते 50 चो किन्ने नंबर लैने जरूरी है, किन्ने परसेंट, तो 50 दा 60% किन्ना हुंदा है, वो किन्ना हुंदा है, इट मीनस 30 या 30 तो वध किन्ने बच्चों के नंबर आ फिजिक्स, 30 या 30 तो वध किन्ने नंबर आ बच्चों के नंबर आ, 32 के 41, 32 के 41, सोच के दसो फिजिक्स दे विच 30 तो उपर नंबर आ ला साफ लिखिया, 30 तो उपर किन्ने बच्चों के आ 32, 40 तो उपर किन्ने आ 9, तो टोटल किन्ने हो गए 32, क्योंकि मैं वार वार कह रहा कि 30 तो उपर वाले ही तो 40 तो उपर वाले कवर होए सी, जो मैं कहा कि बई 40 तो उपर वाले हाथ खड़े करो कि किन्या ने हाथ खड़े किए, 9 ने, मैं क्या 30 तो उपर वाले हाथ खड़े करो, 9 के हाथ तो खड़े ही सके, 23 ने होर हाथ खड़े कर ले, 30 नंबर तो उपर जाने कि 60% तो उपर किन्ने बच्चों के नंबर आ फिजिक्स, 32 बच्चों के, तो यह 32 के 25 बच्चे जोड़े आ फिजिक्स के हायर एजुकेशन वास्ते की हो गए भला एलिजिबल हो गए। आ गल समझ आ गई, इट मीनस इस सवाल च कितने फील हो रहा कि कैलकुलेशन ने, नहीं कैलकुलेशन नहीं गिया बट दिमाग आ जाओ भी, एक किनवा सवाल से दूजा पार्ट से यदा आ जाओ, हूँ तीसरे पर आ जाओ, हूँ तीसरा सवाल लिखो, आ लो जी एक लिखना तो लिख लो, नहीं तो चलूगा काम, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। कहिंदा उन्हां बच्चों की परसेंटेज दसो जिन्हां ने घट्टो घट 60% नंबर लए आ कमिस्ट्री, उन्होंने बदले उन्हां दी परसेंटेज जिन्हां ने घट्टो घट 40% नंबर लए आ एग्रीगेट, जिन्हां दी परसेंटेज कढ़नी आ वह उपर, जिहदे मुकाबले च परसेंटेज कढ़नी आ वह थले, तो गुणा किहदे नाल करनी आ 100 नाल। इहदा मतलब सवाल च कदे भी कन्फ्यूज ना होवो, सब तो पहला उपर की लिखो उन्हां बच्चों की परसेंटेज जिन्हां ने कमिस्ट्री चो किन्ने परसेंट नंबर लए आ 60, तो जिन्होंने एग्रीगेट चो 40% ले आ उन्होंने थले रखो क्योंकि उन्होंने मुकाबले च परसेंटेज कढ़नी है। पहल आ जाओ कमिस्ट्री 60% नंबर लैन वाले, पहली गल तो यह दसो कि जो 50 नंबर का पेपर हो 60% का मतलब की होंगे किन्ने नंबर, 30 नंबर, 30 तो उपर कमिस्ट्री किन्ने, 30 तो उपर कमिस्ट्री किन्ने, 21 के 25, 21 के 21 प्लस 4 25 21, कमिस्ट्री च 30 तो उपर जाने के 60% तो उपर किन्ने बच्चों के नंबर आ 21 बच्चों के, उन्हां दी परसेंटेज किहदे नाल भला, जिन्हां दे एग्रीगेट च किन्ने परसेंट तो उपर आ 40% नंबर किन्ने होणगे भला 20, बई 50 नंबर आ एव, तुसीं कहोगे एग्रीगेट तो 100 बन गया, 100 नहीं गा, याद रखियो एग्रीगेट का मतलब हुंदा टोटल, तो बड़ी चलाकी आ, यह टोटल नहीं दिता, टोटल की भी एवरेज दिती हुई है, टोटल की भी एवरेज का मतलब आ कि एवरेज इतने भी 50 ही बनती है। बई एक गल दसो फिजिक्स का पेपर किन्ने नंबर का सीगा 50 का, तो कमिस्ट्री का किन्ने का सीगा 50 का, जोड़ के एग्रीगेट कर लो किन्ने का हो गया 100 का, तो फिर वो एवरेज भी कढ़ दो फिर किन्ने का रह गया 50 का, तो एग्रीगेट की एवरेज दिती हुई है टोटल, कमिस्ट्री फिजिक्स की जोड़ के भी एवरेज दिती हुई है, नहीं यकीन तो तेरे सामने लिखी हुई है उत्थे देखो। तो हुण दसो कि जिन्हां दे एग्रीगेट दे विच्चों 40% नंबर आ, तो एग्रीगेट किन्ने दा सी पेपर, जोड़ के किन्ने दा सीगा 50 दा ही सी, क्योंकि एग्रीगेट दी भी उन्होंने एवरेज ही कढ़ी है, तो 50 चो 40% किन्ने हो गए मतलब अपने कोल 20 नंबर, तो 20 तो उपर किन्ने बच्चे अपने कोल, 20 तो उपर अपने कोल किन्ने बच्चे आ, उन्होंने आपां नूं कहा 87 के 73, 20 तो उपर आ 73, क्योंकि 40% बनते आ 20 नंबर, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਸ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਏ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟ ਤਾਂ 100 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 50 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ 50 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 50 ਦਾ 20% ਕਿਉਂ, 50 ਦਾ 40% ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀ ਆ ਐਵਰੇਜ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 40% ਜਾਣੀ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 77 ਆ ਜੀ 77, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 77 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 21 ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 28.77, ਸੋ 28.77 ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ 29% ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਂਸਰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਆ।
जेदी उन्होंने कहा फिजिक कमिस्ट्री दे विच 60% लैन वाले एग्रीगेट च 40% लैन वाले दा किन्ने परसेंट हन। कमिस्ट्री च 60% लैन वाले 21 आ, एग्रीगेट च 40% टोटल दे विच 40% लैन वाले 73 आ, तां 21/73 × 100 दैट इज सिंपल कैलकुलेशन। चलिए आपां अगे नैक्सट अगे आ जाओ। एग्रीगेट च किन्ने बच्चे आ जिन्हां दे 40% तों नंबर घट आ, एग्रीगेट दे विच किन्ने बच्चे आ द नंबर एग्री द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्रीगेट च किन्ने बच्चे आ जिन्हां दे नंबर 40% तों घट आ, आ जाओ भी एग्रीगेट च किन्ने बच्चों के नंबर 40% तों घट आ, 40% तों एग्रीगेट च किन्ने बच्चे आ कि 40% तों जिन्हां दे नंबर घट आ, दसो भी 40% तों जिन्हां दे नंबर घट आ किन्ने बच्चे आ एग्रीगेट च, वह बच्चों की गिणती दसो जिन्हां दे नंबर 40% तों घट हन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नंबर लैस दैन 40% इन एग्रीगेट, एग्रीगेट विच्चों 40% तो घट नंबर किन्ने बच्चों के है? हाँ जी पहला ये दसो एग 40% होंगे किन्ने? 20 तो उपर किन्ने बच्चों के नंबर आ? 20 तो उपर एग्रीगेट किन्ने बच्चों के नंबर आ? 20 तो उपर 73। तुहाडे स्कूल च कुल किन्ने बच्चे सीगे? ये शोर आ कि 100 सीगे? इत्थे पता लग रहा है कि तुसीं 100 बच्चों तो हाथ खड़े कराए सी, भुले तो नहीं? एंड तक जाते जाते 100 बच्चों ने हाथ खड़ा करता सी, इहदा मतलब तुहाडे स्कूल च बच्चे किन्ने आ जी? 100। 100 दे विच्चों 73 बच्चे वह ने, 100 दे विच्चों 73 बच्चे वह ने जिन्हां दे 20 जां 20 तो उपर यानी कि 40% तो वध नंबर आ, 40% या 40% तो वध नंबर वाले तुहाडे स्कूल दे एग्रीगेट दे विच्चों, एग्रीगेट चो 40 या 40% तो उपर वाले किन्ने बच्चे तुहाडे स्कूल च? 40% या 40% तो उपर कह लो, जे 40% तुहानू पता 20 नंबर आ बिकॉज पेपर ही 50 नंबरां दा सीगा, इस करके 40% दा मतलब 20 नंबर हो गए। 20 जां 20 तो वध नंबर वाले एग्रीगेट च तुहाडे स्कूल च 73 बच्चे आ। तुसीं कहा कि इदां करो उह 73 दे 73 स्कूल क्लास खाली कर दो, तां दसोगे तुहाडी क्लास च किन्ने बच्चे बैठे रह गए? 27। तो 27 बच्चे वह जिन्हें हाँ जे मैं ये कह दाँ कि कमिस्ट्री के किन्ने बच्चों के नंबर 60% तो घट आ, कमिस्ट्री चो किन्ने बच्चों के नंबर 60% तो घट आ? पहला गल कमिस्ट्री का पेपर किन्ने नंबर का सी? 50 नंबर का। 60% का मतलब किन्ना होंदा? 50 का 60% 30 नंबर तो वध किन्ने बच्चों के नंबर आ कमिस्ट्री चो? कमिस्ट्री 30 तो वध किन्ने बच्चों के नंबर आ? 21 बच्चों के। तो किन्ने बच्चे आ टोटल आपां नूं स्कूल च? 100 चैक कर लो, 100 ही आ। तो किन्ने बच्चों के जे कमिस्ट्री कुल 100 बच्चे ने, तुसीं एंड तक पुछिया कि 0 जां 0 तो उपर किन्ना दे, तो 100 बच्चे सारे लिस्ट च आ गए। 100 दे विच्चों 21 बच्चे वह ने जिन्हां दे 30 जां 30 तो वध नंबर आ, तो 100 - 21 किन्ना आ गया अपने कोल? 79। 79 बच्चे वह ने, 79 बच्चे 79 इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 87 वह बच्चों की गिणती 79 वह बच्चों की गिणती आ जिन्हों के कमिस्ट्री विषय विच्चों किन्ने परसेंट? 60% तो घट नंबर ने। सवाल क्लीयर हो गया? मैं पूछा नहीं सी सवाल पर नवा बन गया अपने आप, कन्फ्यूज तो नहीं होवोगे? आ जाओ भी हुण अगे। तो एटलीस्ट देखो अज वैसे मैं इहदे नाल सीगा मेरा कि आपां दूजा चैप्टर सबजैक्ट करांगे, बट अज फ्लो सीगा, मैनूं एवें सीगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन जिहड़ा पहले दिन दा लैक्चर आ ना वह इन्ना कि इंपोर्टेंट होवे। PCS ते PPSC ते पंजाब पुलिस, चलो पंजाब पुलिस दे पेपर तो अपने नेड़े तेड़े कोई है नहीं गा इत्थों, पर PPSC ते PCS अजकल इस पेपर ते बहुत जोर दे रहे हैं। हजे PSSSB वर्गे बोर्ड ने इहदी वैल्यू नूं समझिया नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन दी नूं, वह इस पासे घट ध्यान दिंदे आ हजे। पर एक गल होर, जिवें जिवें हुण तुसीं आह देखियो सितंबर दे विच बहुत सारे बोर्ड के पेपर होने हैं, SS बोर्ड ने भी पेपर लैना, एस उन्होंने भी PPSC ने भी 11 सितंबर कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर लैना, 24 तरीक नूं SS बोर्ड ने PSSSB जिन्हों आप कह दें उन्होंने अपने पेपर लेने हैं। इतों एटलीस्ट आपां नूं ये गल समझ आजूगी कि आने वाले पेपर च साडी डाटा इंटरप्रिटेशन की वैल्यू कितनी है। डाटा इंटरप्रिटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ने, वैसे मैथ के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट आ, तो मैथ्स बहुत तरीके करना चाहिए, सो पर यह सब तो वध इंपॉर्टेंट, इस करके इतों ही असं इन शुरू कर रहे हैं। आ जाओ जी अगे, आ दसो जी कहानी क्लीयर होगी? कहिंदा इनू लाइन नू सिर्फ पढ़ो एक बार, क्योंकि मैं लगता नहीं कि ये वास्ते आपां नू बहुत चक्करां च पैण दी लोड़ है। कहिंदा जेकर
जेकर 23 बच्चे सिनोपसिस कैमिस्ट्री दे सिनोपसिस वास्ते एलिजिबल होण घट्टो घट 23 बच्चे तो कैमिस्ट्री जेकर 23 बच्चों नूं किसी हायर एजुकेशन वास्ते लैके जाना पै जाए ठीक है तो तुसी दस सकते हो कि मिनीम मार्क्स सिनोपसिस वास्ते हायर एजुकेशन वास्ते कि रेंज रखने चाहिए आ 40 तो 45 30 तो 40 20 तो 30 के 20 तो घट कि रेंज च किन्ने बच्चे लैके जाने आप कैमिस्ट्री वास्ते 23 बच्चे किन्ने बच्चे लैके जाने 23 बच्चे बस ये दसो जी 23 बच्चे आप लैके जाने कैमिस्ट्री च कि बई ये दसो कि घट 23 बच्चे लैके जाने तो मान लो जे मैं 40 तो मैं कहना कि कैमिस्ट्री के सिनोपसिस वास्ते कैमिस्ट्री के सिनोपसिस जिन्होंने पार्टीसपेट लेना है जिन्होंने वह सिनोपसिस लिखना है जिस उच्च पद्धर की पढ़ाई पढ़नी है तो वो वास्ते 40 या 40 तो वध नंबर लेने जरूरी है जी तो तुम दसोगे किन्ने बच्चे आने ते को सिर्फ 4 ही आने पर तुम किन्ने बच्चे लैके जाने 23 तुम लैके जाने 23 बच्चे दूजे केस आज जे मान लो मैं मतलब कि 30 या 30 तो उपर रखदा फिर की कहानी वरतूगी किन्ने बच्चे जाएंगे 21 के 25 21 क्योंकि आ 4 विच ऑलरेडी कवर्ड ने यह मानते हो फिर 21 बच्चे जाएंगे जे मैं दायरा रखदा 20 तो लैके 30 दे विच किते नंबर का कितने रखदा 20 तो लैके 30 दे विच किसे नंबर का दायरा रखदा 20 तो उपर मतलब तो मैनू लगता है कि कुछ बच्चे अपने ये भी चके जाएंगे थोड़े जे क्योंकि 21 चके गए तो बच्चे चाहिए किन्ने आप 23 तो जे दो बच्चे चके जाने वो इतों चके जाएंगे इस ग्रुप चो इट मीनस मैं 30 या 30 तो उपर जे लिमिट रखती फिर मेरे 23 बच्चे आने नहीं इट मीनस आ जाओ आप अपने सवाल से चलते हैं ठीक है आप अपने सवाल से चलते हैं सानू रेंज कितों लैके कितों तक रखनी पेगी 20 तो लैके 30 तक एक गल याद रखियो जे एक ऑप्शन होर आ जाती कि 25 तो लैके 30 तक फिर कि लिख दे 20 तो 30 के 25 तो 30 उपर टेबल दे विच 25 तो 30 नाम का कोई जिक्र ना हुंदा इत्थे एक ऑप्शन आ जाती 25 तो 30 फिर तुसी 25 तो 30 लिख दे कि 20 तो 30 लिख दे उपर टेबल उवें आ उपर टेबल उही आ 40 तो उपर वाले 30 तो उपर वाले 20 तो उपर वाले 25 तो 30 फिर आपां किवें लिख सकते सी सानू की पता कि जेडे 20 तो 30 वाले आ उहनां च की पता रब ना करे कोई इहो जिहा हो वी ना जिहदे 25 तो उपर आए होण इट मीनस फिर तो आप तुक्का ही मार रहे हैं इट मीनस आपू श्योर आ कि 20 तो 30 के दो बंदे चके जाएंगे 20 तो 30 के भावें 80 जवाक आडा दिल भी कहता है कि इन 80 चो घट्टो घट 40 तो 25 तो उपर हो 40 नहीं हो गए 30 हो गए 20 हो गए आपू तो उपर दो जवाक ही चाहिए आ पर आप डाटा तो नहीं दस रहे गल इस करके आप 20 तो 30 ही रेंज मनांगे आ गल समझ आ गई चीज़ इट मीनस डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब पता की होया कि डाटा पढ़ के इंटरप्रेट करना आइडिया जां दिल दी नहीं सुननी बस उत्थे इस गल ते फोकस करना है डाटा पढ़ के उन्हूं इंटरप्रिटेट करना है डाटा दी इंटरप्रिटेशन करनी आ यही सब तो वध इंपोर्टेंट आ किसी नूं कोई डाउट इहदे च किसी नूं कोई डाउट इहदे च सो ये PCS लैवल वास्ते अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज़ा ने इहनूं इगनोर नहीं किया जा सकता आ जाओ हुण एक कैलकुलेशन वाला सवाल सेम करते हैं आपां ठीक है ते देखदे हां आपां कि ओहो करता वैसे आ सिक्स इनू ना 65 मनो इनू 82 मनो इनू 810 मनो हूँ मैं की कर दिता जी कह ठीक है तो खैर टैलेंट ने भी आ लो जी इनू आप एवें ही मनांगे ठीक है वैसे इनू अखर छोटे कर सकता है हाँ जी लो जी इनू करो एक बार ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਅਪੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ओवर द ईयरस इज़ मैक्सीम कि सारे साल कितों सब तो वध बच्चे सिलैक्ट हुए है ऑन एन एवरेज कितने सब तो वध बच्चे सिलैक्ट हुए है आ क्वेश्चन आ गया अपने को दिल्ली यूपी पंजाब आ लो जी अपने को सब तो वध सिलैक्शन जड़िया ने एक मिनट हाँ एवरेज नंबर ऑफ कैंडीडेट सिलैक्टड ओवर द 5 ईयरस बहुत आसान है तो देखो सब तो इंपोर्टेंट गल कहिंदा एवरेज नंबर ऑफ सिलेक्शंस पर ईयर यही मन्ने ना कि औसतन केड़ी स्टेट च सब तो वध औसतन सिलेक्शन हुई हैं
जे मैं गल करा सारे सालों जे मैं गल करा सब तो पहला दिल्ली की तो दिल्ली के किन्ने बच्चे सिलेक्ट हुए है? एक साल 94, एक साल 48, एक साल 82, एक साल 90, एक साल 70 आही सिलेक्ट हुए है। जे मैं गल करा दूजी हिमाचल की पहले साल किन्ने बच्चे सिलेक्ट हुए है? 82, दूजे साल 65, तीजे साल 70, चौथे साल 65 सॉरी सिलेक्टेड आ गए ना आही है 82, 65, 86, 75 आही कढ़ांगे आपां। तीसरे साल किन्ने बच्चे सिलेक्ट होए अपने कोल जिहड़ा तीसरा साल सीगा अपने कोल ठीक है। यूपी यूपी तीजी स्टेट आ यूपी च एवरेज किन्ने बच्चे सिलेक्ट होए पहले साल 78 दूजे साल 75 दूजे सिलेक्ट होए जिहड़े पहले साल 78 दूजे साल 85 तीसरे साल 48 चौथे साल 70 ते पंजवें साल 80 ते एवरेज किन्ने सिलेक्ट होए डिवाइड बाय की करांगे आपां किन्ने साल आए 5 डिवाइड बाय 5 ए आजूगी यूपी दी एवरेज सिलेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 5 सालां दे समय दे दौरान यूपी चों ऑन एन एवरेज किन्ने बच्चे सिलेक्ट होए आ दूजी स्टेट चो किन्ने होए आ तीजी चो उन्होंने पूछा सब तो वध ऑन एन एवरेज सिलेक्शन कित्थे होई आ कढ लोगे अपने आप। सो इस सवाल च मैनूं कुछ खास लगा नहीं। नैक्सट अगे आ जाओ जी अगला सवाल ठीक है आ सवाल नोट करो की आ हाँ इन सवाल नूं नोट करके कढ़े उन्ना चर मैं उन्ना चर अगे थोड़ी जी जे हो सके तो इस चेंज करा के लैके आना। सवाल नोट कर लो कि परसेंटेज ऑफ कैंडीडेट क्वालीफाइड फ्रॉम पंजाब कि पंजाब चो किन्ने कैंडीडेट अपीयर हुए आ किन्ने अपीयर हुए कैंडीडेट्स दे विचों किन्ने केड़े साल सब तो वध परसेंटेज क्वालीफाई हुए आ पंजाब दे विचों याद रखियो दो गल्लां ने उत्थे अपीयर दे विचों किन्ने क्वालीफाई हुए आ देखो एक गल क्लीयर आ तुसी पेपर देण जांदा लख बच्चा आईएएस जां पीसीएस दे पेपर च क्वालीफाई कर जांदे आ उहनां चों मेंस दा पेपर देण च हर एक बच्चा क्वालीफाई कर जांदा जिहड़ा जीएस दे चारां सब्जेक्टां चों पास आ इंग्लिश चों पास आ ते पंजाबी चों पास आ पर की जे 70 पोस्टां ने तां 150 बच्चा क्वालीफाई कर गया बच्चा वी पेपर दिंदा सी 10,000 ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 150 ਨੇ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਕੇ 70 ਸੀ ਕਿ 150 ਦੇ 150 ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 10,000 ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ 150 ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 70 ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਉੱਪਰ ਅਪੀਅਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 100 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ 97, 98, 99 ਤੇ 2000 ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਆਹ ਟੇਬਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਪੀਅਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਸ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ
देखो चलो आप फिलहाल उन्हें चल अगला सवाल करते हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਠੀਕ ਆ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਓ। 1997 ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆਂ ਚੋਂ 1997 ਚ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 1997 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, HP ਕਿ ਪੰਜਾਬ? ਚੱਲੀਏ 1997 ਆ ਜਾਓ, ਵੀ 1997 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? 1997 ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ 1994 'ਚ? 94। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 82, UP 'ਚ 78, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 85 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 75। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟ ਆਂਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ? ਸਿਰਫ 75। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ? ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ? ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਟੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 100। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? 94 ਬਟੇ 100 ਕੀ ਆਊਗਾ? 8000 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 100। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਮਸਾਂ ਹੀ। ਵਟ ਇਜ਼ 94/80? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ 94/80? ਕਿੰਨਾ? 1.175। ਚਲੋ ਆਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ 1997 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਅਪੀਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੱਢ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1.1। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 82/7800 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ 82/7800 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 100, ਕਿਉਂਕਿ 82 ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਓਵਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਲਾ? ਅਪੀਅਰਸ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ 82/78? 1.1 ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? 1.05। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 78/7700। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 78/ ਅਪੀਅਰ 75/100। ਵਟ ਇਜ਼ 78/75? 1.04% ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੱਕ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਠੀਕ ਆ, 85/82 ਇਹੀ ਆ। 85/82 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 100। ਵਟ ਇਜ਼ 85/82? 1.0। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਯੂਪੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ 75 A4 AH ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4H ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 75 ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ, 1992 'ਚ 75,000 ਵੇਚੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਭਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। 7AH ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 144,000 ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਮਤਲਬ 1,14,000। 32AH, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 32AH ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 114,000, ਯਾਨੀ ਕਿ 1,14,000 ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਅੰਕੜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ 55AH ਬੈਟਰੀਆਂ 1998 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 92 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਧੀ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੇਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 40 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਹੋ ਜੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ? ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ? ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ, 40 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? 40 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 40 ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 100, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ 50% ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈਆਂ? 50%। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਸਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੁੜੀਆਂ 40 ਸੀ, 50% ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ 60 ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਹੋਵੇ, 40 ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 50% ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ 30% ਵਧੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 130% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ 20% ਵਧੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 120% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? 100%। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 50% ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ 40 ਦਾ 150%, 40 ਦਾ 150 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 60। 40 ਦਾ 150% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 60। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ 92 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 98 'ਚ, 1992 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 55AH ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ? 108,000, ਚਾਹੇ 108 ਲਓ। ਅਤੇ 1998 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ? 145, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ? 8, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 145। ਬਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 145 - 108 ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵਟ ਇਜ਼ 108 - 145 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਟ ਵਟ ਇਜ਼ 108 - 145 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 30 ÷ 108 ÷ 145 ÷ 108 ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 100। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਕਿ 2 ਹੈ? 1, ਹਾਂਜੀ 1 ਆ ਗਿਆ। 145 'ਚੋਂ 37 / 108 × 100 ਦੈਟ ਇਜ਼ 34%। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਆ? 34। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 34.26% ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ
कि आ दो दो दा दो रहूगा जे दो तो अगला डिजिट पांच जा पांच तो छोटा है सॉरी जे अगला डिजिट पांच तो छोटा है जे अगला डिजिट पांच जा पांच तो वड्डा है तो इहनूं तुसीं एक डिजिट तक लैके आना चाहुंदे हो तो एवें आजूगा जे ये कितने 34.23% हुंदा तो एक डिजिट तक लैके आना चाहुंदे तो यह 34.2% ही रह जाता क्योंकि दो तो अगला डिजिट जिहड़ा है वो पांच तो छोटा है जे उस तो अगला डिजिट पांच जा पांच तो वड्डा होवे फिर ये एक सक्सैसर आ जाता वह मतलब एक बढ़ जाता वह ठीक है आ लो जी कैलकुलेशन होगी। हाँ जी तुसी ये दसो कहिंदा 7 सालां विच सब तो वध सेल केड़ी बैटरी की हुई है द टोटल सेल ऑफ ऑल 7 ईयरस इज मैक्सीमम फॉर विच बैटरी सब तो वध सेल केड़ी बैटरी की हुई है सो यह तो बहुत सौखा सवाल आ कि सब तो वध सेल जिहड़ी आ उह केड़ी बैटरी की हुई है तुसी एक गल दसोगे 4 AH बैटरी की जिहड़ी टोटल सेल आ 4 AH बैटरी की टोटल सेल 75+90+96+105+90+105 की इतने लिख सकते हो दूजी टाइप की 7 AH की टोटल सेल इतने लिख सकते हो तीसरी बैटरी की टोटल सेल इतने लिख सकते हो चौथी बैटरी की टोटल सेल इतने लिख सकते हो पंजवीं बैटरी की टोटल सेल इतने लिख सकते हो तो की तुसी ये पता कर सकते हो कि टोटल सेल कितनी हुई है आ गल समझ आ गई है चीज़ कि टोटल सेल कितनी हुई है आ सवाल कर लिया सारे ने कर लोगे ना अपने आप ये मैं करवाना भी नहीं एक सवाल मैं पूछता तुहानू हुण तुसी ये दसो तुसी मैनू ये दसना है कि 1995+96 की सेल टोटल सेल का किन्ने परसेंट है 1995+96 की ओवरऑल सेल इज़ वट परसेंट ऑफ टोटल सेल सवाल बहुत सिंपल है कि 1995+96 की कुल से दी टोटल सेल सारे सालों की टोटल सेल का किन्ने प्रतिशत है करो जी आंसर पहला तो यह दसो कि 1995-96 की टोटल सेल कि 510+465 ये तो आ गया कितने उपर क्योंकि वह सेल उन्होंने कैलकुलेट करके लिखी हुई है इस करके कि जोड़न ना लग पेंदे तो सारे सालों की टोटल सेल कि होंगी दिस प्लस दिस आ दसो आ गल क्लीयर एवें सवाल कर लोगे ये भी पेपर च आ सकता है कि 1998 की सेल 1997 की सेल तो किन्ने परसेंट वध है 1998 की सेल 1997 की सेल तो किन्ने परसेंट वध है बाय वट परसेंट 98 सेल इज़ मोर दैन 97 1998-97 की सेल का फर्क दसो 1998-97 की सेल च फर्क किन्ना है 0, 1 ते 1, 110 का फर्क बई 1998 की सेल 1997 तो किन्ना ज़्यादा है बेस्ड 1998 की सेल आऊगी कि 1997 की आऊगी 1998 की सेल 97 तो किन्ना ज़्यादा है फ्रॉम 97 फ्रॉम 97 जेदे नाल फ्रॉम लग्या होवे थल्ले हमेशा वह आता है थल्ले की आऊगा 495 कि 605 495 तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गल दसो जी आ गल क्लीयर होगी जे पेपर च ये पूछा जाए अगला सवाल होर मैं अपने आप सवाल क्रिएट कर रहा कि 1993 की सेल 1992 की सेल तो किन्ने परसेंट घट बाय हाउ मच परसेंट 1993 सेल इज़ लैस दैन 92 सेल 93 की सेल 92 की सेल तो किन्नी घट 93-92 की सेल 93-92 की सेल के डिफरेंस किन्ना छेती बोलो 15,000 का हज़ार तो है ही है डिवाइड बाय थले 92 की आऊगी कि 93 की आऊगी कहिंदा 92 की सेल किन्नी सॉरी 93 की सेल किन्नी घट घट है 92 तो यही पूछा सी कि 93 की सेल 93 की सेल किन्नी लैस है किहदे तो भला फ्रॉम 92 जेदे नाल फ्रॉम जेदे नाल इह सेंस आ गई कि इस तो जेदे नाल इह फीलिंग आ गई फ्रॉम दिस वो फ्रॉम वाला ही चक लेना इतने 543 आऊगा कि 528 आऊगा 543 क्योंकि 92 तो किन्ने परसेंट घट थले वाध वाला आना कि घट वाला आना ये कोई रट्टा नहीं हुंदा किस तो घट है किस तो वध है जिस तो फ्रॉम विच जेड़े शब्द के नाल फ्रॉम आ गया बेस उस तो चकना है आपां ठीक है। अगली गल की पता अगला तुहानू इह वी कह दिंदा चलो भी हुण मेरी हैल्प करो तुसी सारे 4 AH बैटरियां दी सारी सेल दसो सारे सालां दी किन्नी है कैलकुलेट करके दस्यो 95+10+10+10 करियो कैलकुलेट किन्ना आऊगा अपने कोल 4 AH बैटरीज़ दी एवें दा सवाल इधर भी तो आ सकता कि 4 AH दी सेल एक जना 7 AH नूं जोड़ दो पहला 4 AH वाले मैनूं जवाब दो एक जना 7 AH दा जवाब दिओ 6 7
बस तो यदि 7 AH की हाँ जी सही है सिक्स नाइन फोर ठीक है अगली दा एक सवाल मैं हुणे बना रहा ठीक है 7 AH की सेल 7 AH की सेल 4 AH प्लस 32 AH की सेल का कितने परसेंट है 7 AH की सेल 7 AH की सेल 4 AH ते 32 AH का कितने परसेंट है एवें का सवाल आ गया तो कढ़ लोगे ना कि 7 AH की सेल उस सेल का कितने परसेंट है अगली गल ये भी पेपर च आ सकता है कि 7 AH की सेल 4 AH की सेल तो कितने परसेंट घट है 7 AH की सेल 4 AH की सेल तो कितने परसेंट घट है 4 AH की सेल तो 7 AH की सेल सॉरी 4 AH की सेल 7 AH की सेल तो कितने परसेंट घट है नंबर कि घट है कि वो कितना घट अपने को 18 कहिंदा 7 AH की सेल 4 AH की सेल 7 AH की सेल तो कितने परसेंट घट है किहदे तो घट है 4 AH की सॉरी 4 AH की सेल 7 AH तो कितने घट है किस तो घट है भला 7 AH तो फ्रॉम किहदे नाल आया 7 AH वाले नाल तो डिवाइड च की आऊगा 7 AH तो मल्टीप्लाई किहदे नाल आजूगा 100 नाल मल्टीप्लाई किहदे नाल आजूगा 100 नाल जे ये पुछ लैन कि 7 AH की सेल 4 AH